गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की न्यूज़ 8 मई 2020 के अंदर। आज से इस चैनल पर आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह मिलेगी। दोस्तों, आज शक संवत 1942 माँ ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा नक्षत्र कन्फर्म, जो कोविड ट्रैकर है उसके अकॉर्डिंग जो कन्फर्म्ड है वो 56,351 मरीज एक्टिव केस, जिनमें 37,682 रिकवर्ड हो चुके हैं, 16,776 जो कि बहुत अच्छी खबर है, और डिसीड यानी कि मृत्यु हो चुकी है 1,899। अब देखिए, कोरोना देश में अब तक 56,351 केस, दिल्ली में एक दिन में सबसे ज़्यादा 448 केस, इनमें ITBP जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के 27 जवान भी शामिल है। कोरोना दुनिया में अब तक 38.86 लाख संक्रमित हो चुके हैं और 2.68 लाख जाने गई है। पेरू के कृषि मंत्री जॉर्ज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पेरू एक देश है, जापान ने इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को मान्यता दी। दोस्तों, ये अच्छी खबर है कि जो है इसकी दवा है या इसकी वैक्सीन है वो धीरे धीरे खोज में आने लगी है। अगला दोस्तों, जो भी बड़ा विवाद चल रहा है, मजदूर कह रहे हैं किराया हमसे लिया, भाजपा का दावा, रेलवे 85% सब्सिडी दे रही है, रेल मंत्रालय गाइडलाइन में लिखा है टिकट का पैसा मजदूर देंगे। जबकि विशाखापट्टनम में हादसा हुआ, आपको पता है विशाखापट्टनम वाईजेग में केमिकल प्लांट में हादसा हुआ, 21 घंटे बाद देर रात दोबारा गैस का रिसाव हुआ था, 3 किलोमीटर के दायरे गांव खाली कराए गए और अब तक इसमें 2 बच्चों समेत दोस्तों 11 की मौत हो चुकी है और 150 इसके अंदर घायल हुए हैं। जहरीली गैस की हिस्ट्री केमिस्ट्री, LG प्लांट में लीक हुई स्टायरीन गैस। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है GK के हिसाब से कि जो गैस लीकेज हुई है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है स्टायरीन गैस। 181 साल पहले खोजी गई थी और सांस में जाने पर 10 मिनट में इसमें क्या जा सकती है दोस्तों, जान जा सकती है। दोस्तों, ये जो प्लांट है अभी थोड़ी दिनों, 1-2 दिन पहले ही खुला था, एक बार 3 मई के बाद लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद सुबह 4 बजे नज़ारा देखा तो सन रह गए, कोई डिवाइडर पर पड़ा था तो कोई नाले में गिरा था। रायगढ़ की पेपर मिल में जहरीली गैस लीक हुई, तबीयत बिगड़ने 7 मजदूर अस्पताल में भर्ती कराए गए, मिल मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। महाराष्ट्र राज्य में संक्रमितों की संख्या दोस्तों 18,000 के पार, 43,000 मरीजों की मौत हो चुकी है और मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में 77 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि एक अच्छी खबर नहीं है क्योंकि इससे बाकी जो कैदी हैं उनमें भी कोरोना फैल सकता है और उनको रिलीज करना पड़ सकता है। फिर सुरक्षा बल 6 महीने से आतंकी नायकों के पीछे लगे थे, CDS विपिन रावत बोले आतंकी सरगनों को चुन चुन कर मारेंगे। SBI ने ग्राहकों के लिए सस्ता किया सभी तरह का लोन, लेकिन दूसरी ओर डिपॉजिट पर भी ब्याज दरें घटाई। डिपॉजिट दोस्तों जो अपन जमा करवाते हैं वो डिपॉजिट था, उस पर अपने को जितना ब्याज मिल रहा था पहले उतना ब्याज नहीं मिलेगा, हालांकि लोन भी सस्ता हो गया तो वो बात वो कि वहीं रह गई कि आप लोन लोगे तो सस्ता मिलेगा और उल्टे का अगर कोई जमा करवाएगा तो उसको उतना ब्याज उस पर नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, फिर अगली है जो अभी हाल ही में जो अपने HRE जो मिनिस्ट्री थी उसने घोषणा की थी कि जो नीट का एग्ज़ाम है आपका 26 जुलाई को होगा, ठीक है, और ये जो JEE मेन अपने मेन का एग्ज़ाम था वो अपने 19 जुलाई से कुछ 24 जुलाई के आसपास की डेट बताई थी, एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, अभी घोषणा हुई कि 23 अगस्त रविवार के दिन JEE जो एडवांस है उसकी परीक्षा होगी। JEE के 2 पेपर होते हैं, एक मेंस का होता है और एक एडवांस का होता है। फिर इस बार पिछले साल की तुलना में इस बार ये 3 महीने लेट हो रही है परीक्षा। एम्स के निदेशक ने कहा जून जुलाई में संक्रमण चरम पर पहुंच सकता है, लॉकडाउन बढ़ाने का कितना असर हुआ ये वक्त ही बताएगा। आगे देखिए दोस्तों, मौसम विभाग ने POK के गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फरबाद के लिए भी वेदर बुलेटिन जारी किया, कहा यह भारत का हिस्सा। फिर रतनतंत्र, क्योंकि अभी जो गिलगित बाल्टिस्तान है वो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही में जो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है उसने यहाँ पर चुनाव कराने की परमिशन दी है। फिर रतन टाटा ने 18 वर्षीय अर्जुन देशपांडे की कंपनी जेनेरिक आधार पर 50% हिस्सेदारी में खरीदी, 2 साल पहले शुरू की थी कंपनी। फिर इंश्योरेंस कारोबारी की हिस्सेदारी बेचना चाहता है फ्यूचर ग्रुप कोटेक, महिंद्रा बैंक समेत कई निवेशकों से चल रही है बात। चीन में कारोबार कर रही 1,000 से ज़्यादा अमेरिकी कंपनी को भारत में लाने की कोशिश कर रही है सरकार। 261 से ऊपर खुला डाउ जोन्स, चीन भारत समेत कई बाजारों में गिरावट, ट्रंप के संक्रमण को देश पर हुआ अब तक का सबसे बुरा हाल। डाउ जो दोस्तों अपने जो यहाँ पर सेंसेक्स वगैरह है अपने जो शेयर बाजार का वो वहाँ पर सूचकांक है डाउ जोन्स। फिर चौथी तिमाही में HCL टेक्नोलॉजी को 3,154 करोड़ रुपये का मुनाफा, 2 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया। चौथी तिमाही के मुनाफे में यस बैंक के निवेशकों के लिए, ये दोस्तों ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन सकती है कि जो गेट एग्जाम होता है गेट का स्कोर है पहले 750 में से होता था, इसको घटाकर 650 का कर दिया गया है। फिर देखिए दोस्तों, अभी एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि जो UGC नेट की जो परीक्षा होने वाली थी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट करके जो नेट की परीक्षा होने वाली थी वो होने वाली थी अभी 15 से 20 जून के बीच में, जो रद्द कर दी गई है, उसकी नई तारीख है अभी घोषित नहीं हुई है, जल्दी उसका ऐलान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज के लिए आपके इंपॉर्टेंट न्यूज़।